4 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए भारतीय लेदर सेक्टर ने हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। कच्चे माल की बहुतायत के साथ देश के 20% विश्व मवेशी और भैंस और 11% विश्व बकरी और भेड़ आबादी के साथ संपन्न है। प्रमुख क्षेत्र 5.5% 6 बिलियन की वार्षिक निर्यात के साथ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में प्रमुख रहा है। हालांकि महामारी से पहले ये वास्तविकता थी। पूरन डावर क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, उन्होंने कहा, इस असाधारण चरण के माध्यम से जीवित रहने के लिए क्षेत्र को तरलता के एक तत्काल शॉट की आवश्यकता है। हमारे विदेशी ऑर्डर का 70% अब रद्द कर दिया गया है और बाकी के लिए खरीदार भारी छूट के लिए पूछ रहे हैं। आगरा में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध चमड़े पर आधारित औद्योगिक हब भारत में चमड़े के जूते के उत्पादन का लगभग 30% के लिए जाना जाता है। तरलता शहर के चमड़े के सामान निर्माताओं द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की सूची में सबसे ऊपर है। उत्तर भारत स्थित क्लस्टर आगरा जूते निर्माताओं और निर्यातकों के चैम्बर के अध्यक्ष से चमड़े के निर्यातकों के लिए घटनाओं में भारी बदलाव का खुलासा करते हुए कहते हैं कि क्षेत्रीय क्लस्टर के कुल निर्यात की प्रतिपूर्ति अटक गई है। बंदरगाह तैयार लगभग 4,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। ये उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में जूते का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कई एमएसएमई वर्चस्व वाले औद्योगिक समूहों के लिए, जैसे आगरा में एक, उनकी कार्यशील पूंजी में कोई भी अंतराल उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। टावर के अनुसार फुटवेयर का प्रत्यक्ष निर्यात लगभग 3500 करोड़ रुपए का है। फुटवेयर का डीम्ड एक्सपोर्ट 1500 करोड़ रुपए का है। देश के पूर्वी हिस्से में चमड़े के हॉटस्पॉट के लिए घर सामान रूप से गंभीर है। पूर्वी क्षेत्र में हैंडबैग का उत्पादन एक प्रमुख वस्तु है। ये सेगमेंट पूरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि सभी विदेशी रिटेल आउटलेट्स और खरीद घर बंद हैं। कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स टैनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश कुमार जुनेजा ने बताया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर या तो रद्द कर दिए गए हैं या उन्हें रोक दिया गया है। जुनेजा के अनुसार श्रमिकों की कमी भी उत्पादन को रोक रही है। एक आदेश को पूरा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उद्योग के पास उन्हें निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कार्यबल नहीं है। अब भले ही हमें कुछ आदेश मिल रहे हों, हम कारखानों को चलाने में सक्षम नहीं है क्योंकि अधिकांश श्रमिक अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं। त्रासदी ये थी कि जब सरकार ने कारखानों को 35% कार्यबल के साथ खुलने की अनुमति दी थी तो हम उनके पास 10% से अधिक कार्यबल नहीं था। विभिन्न चमड़े के समूहों में मामले की निराशाजनक स्थिति को देखते हुए उद्योग का मानना है कि सरकार को महत्वपूर्ण क्षेत्र में तरलता सहायता की पेशकश करनी चाहिए। आगरा फुटवेयर सेक्टर कम से कम 1 साल के वेतन और वेतन के लिए समर्थन की तलाश कर रहा है, जिसके लिए टर्नओवर के आधार पर अगले 3 सालों में वापस देय ऋण के रूप में न्यूनतम 10% ब्याज मुक्त ऋण की मांग की जा रही है। साथ ही 50% वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मांगा गया है। चमड़े के क्षेत्र में निर्यात बिरादरी की मदद करने के लिए उद्योग प्रतिनिधि कम ब्याज दरों के लिए पिच करते हैं, ये कहते हुए कि जर्मनी जैसे देशों में चमड़े के क्षेत्र के लिए ब्याज दर 0.25% है। वो वादा करता है कि पूंजी की उच्च लागत के कारण देश वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा खो देता है। आज 9.5% की कम ब्याज दर भी फर्मों को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में मदद नहीं कर रही है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए ब्याज दरें विश्व स्तर पर लीबर दरों के लिए आधार पर होनी चाहिए। ये हम अगले 5 सालों के लिए चाहते हैं। डाबर ने आग्रह किया, ESIC के पास 84,000 करोड़ रुपए का भंडार है और अगले 3 सालों में ESIC के योगदान में 1% की वृद्धि करके इस फंड की भरपाई की जा सकती है। 50% वर्तमान कैश क्रेडिट की ब्याज मुक्त अवधि के लिए अगले 5 सालों में देय वार्षिक सीमा भी इस क्षेत्र को दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।